जनाबे वाला मुल्जम जमाल और इनकी बीवी महरीन की उम्र में बहुत फर्क था और यह शादी एक सोशल प्रेशर के तहत की गई थी। महरीन के मजाज और उम्र का तकाजा यह था कि वो शहरयार नामी एक आर्किटेक्ट के साथ बेतकल्लुफ हो जाती। मुल्जम जमाल रकाबत और हसद के जज्बे से यह सब बर्दाश्त न कर सकते थे। यह झूठ है। ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। ना ही वो मरहूमा किसी से बेतकल्लुफ थी और ना ही मैं किसी से जेलस था। मिस्टर शहरयार कटहरे में तशरीफ लाए। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। आप इस वकूए के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपके महबूबा महरीन जमाल से ताल्लुकात थे? मुझे जमाल इन कंपनी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। मैं मिस्टर जमाल और मिसेस जमाल के निकाह में भी शरीक था। इन दोनों को तब से जानता हूं। क्या आप अब भी इनके लिए काम कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा काम सिर्फ प्लान बनाना था जो मैंने किया। मिसेस जमाल से मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना था जितना एक बॉस की बीवी से एक मुलाजिम का हो सकता है। आपके ख्याल में इन दोनों मियां बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? जितने दो महज़ब और पढ़े लिखे मियां बीवी के हो सकते हैं। आई हैव नथिंग मोर टू ऐड योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई अगले समाज तक मुलतवी की जाती। जमाल साहब, मैं चाहूं तो अदालत में बयान देकर वो सब कुछ बता दूं जो आप दलेर खान के साथ मिलकर हवेली के बारे में करना चाहते थे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अदालत में क्या बयान दूं। मेरे हाथ वो सिर आना चाहिए कि आखिर उस रात महरीन हवेली में क्या करने गई थी। मिस्टर शहरयार, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा खास प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको इस्लामाबाद से यहां लाहौर बुलाया गया और ये कि आपका रेजिडेंस कम ऑफिस मिस्टर जमाल के बंगले पर ही क्यों जरूरी था? जनाबे वाला, फाजिल वकील मजद अदालत की तवज्जो उन अफसानवी पहलुओं की तरफ दिलाना चाहते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर शहरयार को एक ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए बुलवाया गया था और उनकी इस दफ्तरी मजबूरी का मिसेस जमाल के हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। मैं मौजूद अदालत से दरखास्त करूंगी कि वो मेरे मौकल की मरहूमा शरीके हयात के किरदार के लिए इस अदालत में किसी भी लूज स्टॉक की इजाजत ना दे। आप उनकी बात सुनिए, मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर तरह के इम्कानात का जायजा लेना जरूरी है। जी फरमाइए। शुक्रिया जनाबे वाला, मुझे मौजूद अदालत से इसी बात की तवक्को थी। मेरी फाजल वकीला पर यह बात वाजे कर दी जाए कि मैं मिस्टर शहरयार की वसातत से मकतूला महरीन जमाल की जातियात या किरदार की तरफ जाने की जसारत कभी नहीं करूंगा। हालांकि मौजूद अदालत मुझे इस बात का पूरा पूरा हक देती है, लेकिन मिस्टर शहरयार की ऑफिशियल एंगेजमेंट
ہمیں بہت سے اہم پہلوؤں کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاں تو مسٹر شہریار، وہ کون سی خاص بات تھی جو یہاں کے کسی آرکیٹیکٹ میں نہیں تھی اور جس کے لیے آپ کو خاص طور پر وہاں سے یہاں بلوایا گیا؟ اور یہ کہ کیا آپ وہ تمام پلان عدالت کے سامنے بتانا مناسب سمجھیں گے؟ اور یہ کہ آپ کو مسٹر جمال کی کوٹھی کی انیکسی میں ہی کیوں رکھا گیا؟ جناب والا، معزز وکیل بھری عدالت میں شہریار سے یہ اگلوانا چاہتے ہیں کہ مسٹر جمال کے بنگلے کے انیکسی میں انہیں مسز جمال نے رہنے کے لیے مجبور کیا تھا، اور یہ کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں شہریار سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ وکیل استغاثہ کو انویسٹیگیشن کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ جناب والا، میں جس نقطے کی طرف نہیں جانا چاہتا، میری فاضل وکیلہ بار بار اسی نقطے کو اچھال کر اپنے موکل کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ میں صرف مسٹر شہریار کے دفتری معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ رہی بات ذاتیات کی، تو اس کے بارے میں مسٹر شہریار معزز عدالت کے سامنے اپنا بیان دے چکے ہیں اور جسے معزز عدالت نے منو ان قبول بھی کر لیا ہے۔ ہاں تو مسٹر شہریار، وہ کون سے پلان تھے جس کے تحت آپ کو مسٹر جمال کے اتنے بڑے کاروبار میں کسی بھی جگہ کوئی کمرہ نہیں مل سکا؟ اور یہ کہ جس کے بارے میں مسٹر جمال کی پرسنل سیکرٹری بھی کچھ نہیں جانتی تھی؟ شہر کے مضافات میں جمال اینڈ کمپنی ایک بہت بڑی اپارٹمنٹ بلڈنگ پلان کر رہی تھی۔ جمال صاحب نے مجھے اپنے گھر کی اینیکس میں کمرہ میرے اپنے تقاضے پہ دیا تھا، چونکہ مجھے بہت بہت یکسوئی، بہت توجہ سے یہ کام کرنا تھا، اس لیے میرے لیے خاموشی اور تنہائی بہت ضروری تھی۔ دوسرا یہ کہ میرے کام کرنے کا وقت ہمیشہ رات کو ہوتا ہے۔ میں وہاں اسلام آباد میں بھی اپنی ساری پروفیشنل ڈرائنگز رات کے وقت ہی کرتا ہوں۔ آئی ہوپ ناؤ یو اپریشیٹ دیٹ سرٹن ریلیشن شپس آر پروفیشنل اینڈ بیونڈ سسپیشن۔ دیٹس آل یور آنر۔ یہ عدالت اگلے ماہ کی 20 تاریخ تک برخاست کی جاتی ہے۔ ملزم جمال، آپ اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا مجبور ہو سکتا ہے، کتنا لاچار ہو سکتا ہے، اس وقت مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔
पहले मेरा घर उजड़ा, मेरी 15 साल अल्तवाजी जिंदगी एक हादसे का शिकार हो गई। एक हंसता बसता घर महज पत्थरों और ईंटों का घर बनकर रह गया। इन्हीं लोगों की वजह से अभी ऐसे ही लोगों के कहने पर मैंने माहिम की छोटी बहन महरीन से शादी कर ली। ये हवेली जिसकी कमजोर और खस्ता बुनियादों ने मेरे घर को एक शोले में भस्म कर दिया। कितनी मालियत होगी उसकी? जज साहब, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़। मेरा बिजनेस, मेरे एसेट्स, हुकूमत को मैं हर साल कितना टैक्स देता हूं, ये सब बातें अदालत से ढकी छुपी नहीं है। और ये वकील साहब भी सही है, उनको तनख्वाह मिलती है। किसी भी शरीफ आदमी को मुजरिम साबित करने की इनका कोई कसूर नहीं। ये तो अपनी जगह पर मजबूर है जज साहब। ये जैना जिसकी रिपोर्ट पर ये FIR दर्ज की गई, ये तोहमात और वसवसों की मारी हुई बेचारी इसमें सिर्फ महज अपनी वफादारी का सबूत दिया है। बस मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं तो अगर सोचता हूं तो सिर्फ अपनी मासूम बच्चियों के बारे में। रह रह कर अगर मुझे किसी का ख्याल आता है तो मेरी बच्चियां जो पहले ही 2 बार यतीम होने के बाद आज अपने घर की दहलीज पर बैठकर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। जसाम मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। आप अगर मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए जज साहब, मुझे सजा दीजिए। एक दरखास्त है मेरी, एक दरखास्त है मेरी इस अदालत से। मेरी
मरहुमा बीवी, मेरी मरहुमा बीवी की किरदार कशी से इत्तेलाब किया जाए। प्लीज। प्लीज। कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वकील इस्तगासा कोई भी वाज़े सबूत इस अदालत में पेश ना कर सके। जो शवाहत और सबूत इस अदालत के सामने पेश किए गए उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूमा महरीन जमाल की मौत हादसाती थी, लिहाजा मुल्ज़िम जमाल को कत्ल के इस इल्ज़ाम से बाइज़्ज़त बरी किया जाता। This court is now adjourned. गार्जियनशिप के पेपर्स तैयार करना होंगे, वकील आंटी आएंगी, आप साइन कर देना। नहीं नहीं बाबा, मैं उन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। वो क्यों? छोटी मामा ने कहा था ना, उन्होंने मना किया था कि किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने। मगर बेटा मैं आपका बाबा हूं ना। पापा, आप ही ने तो कहा था कि छोटी मम्मा जो कहे मानना है। सो आई डेट। मगर बेटा पापा प्लीज,
I'm sorry, मैं उन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकती। चलो बबल, तुम सुबह उठती नहीं हो।